गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले क्लास में हम लोग का चैप्टर समाप्त हो चुका था, सब कुछ उत्तर आ चुके थे। अब देखिए चैप्टर टू पे आता है। चैप्टर टू क्या है हमारा? हाउ आई केयर फॉर माय सराउंडिंग्स। हम लोग कैसे अपने जो भी आसपास के जो भी आस पड़ोस है उसके कैसे हम लोग है ना उसके ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग कैसे रखते हैं इस विषय में, वही हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिकेत, आई स्टडी इन क्लास थर्ड, आई वॉन फर्स्ट प्राइज एज ए हेल्दी चाइल्ड। एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, अनिकेत है, और किस क्लास में पढ़ता है, तो क्लास थर्ड में पढ़ता है, मतलब आपके ही क्लास में वो पढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहीं पे पढ़ता है, वो कहीं और का है। आई वॉन फर्स्ट प्राइज एज ए हेल्दी चाइल्ड, वो फर्स्ट प्राइज जीता था सबसे हेल्दी चाइल्ड के लिए, ठीक है। हेल्दी चाइल्ड था वो अपने क्लास का, इसलिए वो फर्स्ट प्राइज जीता। हेल्दी मतलब क्या होता है, स्वस्थ। बट आई वॉन्ट टू गिव दिस क्रेडिट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। अनिकेत बोल कह रहा है कि इसका जो क्रेडिट है, इसका जो श्रेय है वो किसको देना चाहता है, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वो क्रेडिट देना चाहता है। जैसे दे टॉट मी वेरियस वेज टू स्टे हेल्दी, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे तरीके सिखाए जिससे क्या है हेल्दी स्वस्थ रहा जा सके। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर दीज स्टेप्स विथ ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अब इन स्टेप्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। अगर हम लोग को खुद को अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, अपने जो भी सराउंडिंग्स है आस पास है उसको क्या करना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, मतलब उसको केयर करना चाहिए। हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग के आस पड़ोस में जो भी है उसके क्या रखना चाहिए, केयर करना चाहिए। देखो केयर कैसे करेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्पीक एंड स्पेक्ट सराउंडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, बहुत ही अच्छा जो सराउंडिंग होता है वो क्या होता है, हम लोग के लिए हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सराउंडिंग्स एट होम एंड स्कूल। अब देखिए क्या हम लोग सराउंडिंग्स जो है, सराउंडिंग कहीं भी हो सकते हैं, जहां हम जाए सराउंडिंग्स हो जाएंगे, तो वहां जैसे कि हम स्कूल पे कैसे सराउंडिंग्स है और जो कैसा होना चाहिए और जो हमारे घर पे सराउंडिंग्स है वो कैसा होना चाहिए पढ़ना है। तो सबसे पहला सराउंडिंग हम लोग क्लीनलीनेस एट होम मतलब सफाई सुथरा घर पे कैसा रहना चाहिए, हम लोग को ये पढ़ना है। यहाँ पे ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी केप्ट एट प्रोपर प्लेसेस। अब देखिए जो भी हाउस और घर में जो भी यूज होने वाला सामान है उसको क्या एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। चलिए हमारा बैग यहाँ रखना चाहिए तो बैग यहाँ यहीं पे रखेंगे घर में, हमारा जो भी लंच बॉक्स है यहाँ रखना चाहिए तो यहीं पे रखेंगे, बॉटल जहाँ रखना चाहिए वहां बॉटल रखेंगे। देखिए इससे रखने से होता क्या है कि अगर बाई दी पे कि क्या होगा कि अगर क्यों भी आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप प्रॉपर प्लेस पे हमेशा रख रहे हैं तो देखिएगा आप जाकर खोजिए उस जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इधर उधर रखिए ना तो याद ही नहीं रहेगा आज यहाँ रखे कल वहां रखे परसों वहां रखे, तो याद ही नहीं रहेगा कि आपका बॉटल क्या है, कहीं किसी न किसी ऐसा दिन होगा जिस दिन आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या होना चाहिए, सारे जो भी चीज है वो प्रॉपर प्लेस पे रखने चाहिए। वी शुड कीप आवर बुक्स स्कूल बैग स्कूल ड्रेस अदर क्लोथ्स इन द अलमीरा, अलमीरा में हमारे बुक्स को स्कूल बैग को स्कूल ड्रेस को और सारे कपड़े रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउस स्पीक एंड स्पैन, मतलब बहुत साफ सुथरा मेंटेन वेल तरीके से अच्छे तरीके से रखना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन ए कवर्ड डस्टबिन, हम लोग जो भी गार्बेज फेंकना चाहिए वो एक कवर्ड डस्टबिन ढका हुआ बंद ढक्कन वाला डस्टबिन में फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट लीव दी वाटर टैप्स रनिंग, हम लोग जो भी नल कूप हमारे घर में होते हैं उनको क्या करते हैं खुला नहीं छोड़ना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं हो। वी शुड स्विच ऑफ दी लाइट्स एंड फैंस वाइल लिविंग द रूम, हम लोग को लाइट को स्विच ऑफ कर देना चाहिए और फैन को जब हम लोग रूम छोड़ रहे हैं। तो हम लोग आज क्लीनलीनेस एट होम में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्लीनलीनेस एट स्कूल पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।